हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा 500 से लेके 1000 तक का एप्लीकेशन है दोस्तों। ये हमारा प्रोजेक्ट है, सोर्स कोड है, जो कि कंप्लीट आपको रन करा के हमारे डेवलपर आपके सिस्टम में कंप्लीट रन करा के आपको प्रोजेक्ट देंगे। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनवाना हो या आप अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग कोई प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं या आपके पास कोई आइडिया है और आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं या वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप बनवा सकते हैं। बहुत ही लो कॉस्ट में बनवा सकते हैं और यहाँ सिर्फ आपको डेवलपर चार्ज देनी है और अपना प्रोजेक्ट को डिजाइन करवाना है। तो जल्द से जल्द दोस्तों आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा और यहां आपको कंप्लीट आपके सिस्टम में आपके फोन्स में कंप्लीट रन करा के आपको एप्लीकेशन मिलने वाला है। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर कोई भी एरर्स आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, कॉन्टैक्ट करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं मोर देन फीचर्स और मोर देन कोर्सेस भी ला सकूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही कम सब्सक्राइबर दोस्तों, प्लीज़ इसको एक बटन तो दबाना है प्लीज। प्रोजेक्ट भंडार .com की तरफ से लीव एप्लीकेशन है दोस्तों। जैसे कि कहीं भी, चाहे आप इंडस्ट्री में, चाहे कॉलेज में, ये स्कूल में, ये बेसिकली कॉलेज के लिए लीव एप्लीकेशन है। इसमें आप कोई भी फीचर्स ऐड करवा सकते हैं या रिमूव करवा सकते हैं, डिपेंड ऑन योर। अगर आपके पास कोई और भी रिक्वायरमेंट है तो आप उन हिसाब से भी एप्लीकेशन बनवा सकते हैं या वेबसाइट बनवा सकते हैं। तो चलिए आज हम इसके बारे में डिटेल से आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही इसमें लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन करता है, अगर उसने ऑलरेडी उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है या पासवर्ड है तो वो लॉगिन करेगा डायरेक्ट, नहीं तो पहले क्या करेगा, वो अकाउंट क्रिएट करेगा। अकाउंट क्रिएट किससे करेगा, रजिस्ट्रेशन नाम उसका। तो रजिस्ट्रेशन नाम में 1, 2, 3 या कुछ नंबर डाल रहा हूँ अपना, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, नाम निरंजन कुमार डाल रहा हूँ, मेरा नाम हुआ निरंजन कुमार। ओके, तो मैं नाम डाल दिया। ओके, क्लास नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं आपके अपने हिसाब से। तो रोल नंबर भी मैं कुछ भी डाल रहा हूँ। ओके, पासवर्ड देखिए मैं क्या रख रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5। ओके, जैसे ही मैं साइन अप करूंगा, एक देखिए यहाँ पे मैसेज हो गया, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, उसके बाद आपके पास तो लॉगिन हो गया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर पे। रजिस्ट्रेशन नंबर पे मैंने अभी कॉन्टैक्ट नंबर डाला था, आपने देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। मैंने पासवर्ड रखा था, मैं फिर से डाल देता हूँ पासवर्ड 1, 2, 3, 4, 5 मैंने पासवर्ड रखा था। उसके बाद लॉगिन करता हूँ। जैसे ही मैंने अपने पासवर्ड से लॉगिन करूंगा तो यहाँ देखिए मेरा नाम आ गया जो मैंने लॉगिन किया, निरंजन कुमार। लीव एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसमें क्या लिखा हुआ, फिल अपना फॉर्म फिल करें, फिल फीम ऑफ द फॉर्म, द रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है सारा फिल करें। उसके बाद आफ्टर लीव रिक्वेस्ट, या रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा, सुपरवाइजर या हमारे जो स्टाफ है उसके पास जाएगा। आपका एप्लीकेशन क्या है, अभी मैंने ये देखिए अभी फॉर्म भरा नहीं है, तो अभी करंट लीव एप्लीकेशन ही कुछ नहीं डॉट आ रहा है, मतलब अभी तो मैंने भरा ही नहीं है, तो पेंडिंग और क्या आएगा। और इसमें एक फीचर है कि जो कि जैसे कि मैंने अभी एक एप्लीकेशन भरा है, तो मैं आपको भर के दिखाता हूँ। पहले कुछ भी एक्स वाई जेड सब्जेक्ट डाल रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग डेट डाल रहा हूँ। ओके, मैं कुछ भी स्टार्टिंग डेट डाल रहा हूँ और एंड डेट भी मैं डाल रहा हूँ। ओके, रोल नंबर भी आज कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, फोन नंबर भी मैं अपना डाल रहा हूँ। ओके, क्लास नेम भी कुछ भी डाल सकते हैं। लीव में जो रीजन्स के आप किस रीजन्स के आप लीव ले रहे हैं वो डाल सकते हैं। उसके बाद मैं सबमिट करता हूँ। जैसे सबमिट करता हूँ तो यहाँ देखिए अभी हमारा स्टेटस क्या हो रहा है, पेंडिंग, मतलब स्टाफ ने हमारा अप्रूव नहीं किया, अभी अप्रूव करेगा तो मैं शो करेगा। ओके, मैं अभी दिखाऊंगा आपको करके। तो ये देखिए अब जैसे मैंने एक डाला है और ये पेंडिंग शो कर रहा है, तो अभी हम दूसरा इसमें नहीं डाल सकते, जब तक हमारा पहला लीव हो नहीं जाएगा, कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक हम दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरा लीव एप्लीकेशन नहीं फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, आप लॉग आउट कर देता हूँ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का हुआ। ओके, अब एडमिन में चलते हैं, स्टाफ एडमिन पे। स्टाफ जो एडमिन है, तो जैसे मैंने स्टूडेंट जैसे रजिस्टर किया था तो वो अपने हिसाब से लिया हुआ था, इसी तरह स्टाफ भी अपना आईडी लेगा। स्टाफ उस समय रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था स्टूडेंट का, स्टाफ अपना आईडी लेगा। मैं भी स्टाफ का ही अपना नंबर ही डाल रहा हूँ, स्टाफ ने भी आप देख सकते हैं, आप अपना स्टाफ आईडी डालेगा। नाम भी मैं अपना डाल रहा हूँ, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट से है वो स्टाफ। ओके, 1 सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो। पासवर्ड में 1, 2, 3, 4, 5 भी रख रहा हूँ इसका, और इसका भी मैंने 1, 2, 3, 4, 5 रख रहा हूँ। ओके, तो ये स्टाफ हुआ, स्टाफ अपनी रजिस्ट्रेशन अपनी। तो देखिए अभी मैंने निरंजन कुमार वाला डाला था, ये देखिए अभी हमारा क्या है, पेंडिंग में, आप देख सकते हैं ये पेंडिंग में। जैसे यहाँ अप्रूव कर दूंगा, ये कौन करेगा, स्टाफ। ओके, जो स्टाफ ये अप्रूव करेगा, अप्रूव्ड हो गया। यहाँ से देखिए मैंने अप्रूव्ड किया, यहाँ मैसेज अप्रूव्ड हो गया। चलते हैं बाइक करके देखते हैं स्टूडेंट को क्या है? मैंने अप्रूव्ड किया तो उसके पास ये चीज दिखाया कि नहीं। तो चलिए मैं
चलता हूँ डायरेक्ट स्टूडेंट पे, स्टूडेंट फिर से लॉगिन करेंगे स्टूडेंट का। ओके तो स्टूडेंट का लॉगिन करते हैं उसी नंबर से जो मैंने लॉगिन किया था। ओके तो देखिए स्टूडेंट लॉगिन जैसे ही करता है तो ये देखिए क्या दिख रहा है, योर करंट लिविंग स्टेटस अप्रूव, मतलब मेरा जो लीव एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड हो गया। तो ये कौन करेगा अप्रूव, स्टाफ। ओके अब आता है, अब मैं यहाँ से, अब आप दूसरा फॉर्म जिसमें भर सकते हैं लीव। ओके सॉरी दोस्तों, तो ये हो गया हमारा, उसके बाद हम लॉग आउट करते हैं। ओके अब हम लोग चलते हैं एडमिन लॉगिन में। एडमिन का एक ही, एडमिन में देखिए रजिस्टर नहीं है कि जो एडमिन है मतलब जो कॉलेज या कहाँ मतलब इंडस्ट्री का कोई हेड होगा उसका यूजर आईडी और पासवर्ड एक ऑलरेडी हम लोग डाटाबेस में पहले से सेव कर देते हैं। सॉरी दोस्तों, तो उससे क्या होता है कि वो एडमिन क्या क्या देख सकता है वो भी चलते देखते हैं। ओके तो ऑलरेडी मैंने एडमिन का देखिए रजिस्टर यूजर नेम और सर्दी हो चुकी है दोस्तों सॉरी, तो यूजर नेम और पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 5 मैंने ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ एडमिन का पासवर्ड और लॉगिन। तो चलिए लॉगिन करते हैं। देखिए जो स्टूडेंट जब एडमिन जैसे ही लॉगिन करता है तो उसके पास स्टूडेंट का भी लिस्ट देखेगा, जितना स्टूडेंट लिस्ट मतलब जितना स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था। मैंने देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर ये था, स्टूडेंट ये था और क्लास ये वगैरह मैंने करके किया था, देख सकते रोल नंबर तक। अगर एडमिन चाहे तो उसे डिलीट भी कर सकता है, जैसे यहाँ से डिलीट कर दिया वो लिख के डिलीट हो गया, जिसको जिसको वो डिलीट करना चाहे वो डिलीट भी कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। और देखिए स्टूडेंट का लिस्ट देख सकता है और स्टाफ का लिस्ट भी देख सकता है वो कि स्टूडेंट स्टाफ ने कितना हमारे यहाँ लॉग इन किया है। ओके ये सारा चीज यहाँ दिख रहा है देख सकते, तो स्टाफ को भी वो डिलीट कर सकता है। ओके दोस्तों तो और भी आप फीचर्स को ऐड करवा सकते हैं, डायरेक्टली आप विजिट करें दोस्तों projectbhandar.com देख सकते हैं। यहाँ आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स दिख जाएगा जहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन बनवा सकते हैं, वेबसाइट बनवा सकते हैं। तो जल्द से जल्द दोस्तों विजिट करें projectbhandar.com। थैंक यू फ्रेंड्स।